हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लास्ट चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कवर किया था कि uh, जिसमें हमने एक आइडिया लिया था कि, कि किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज़म्स में फिर चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरह से होता है तो वो सब हमने लिया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था दो टाइप के हमने मेथड्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के दैट इज़ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे कि एनिमल्स में कौन से होते हैं प्लांट्स में किस तरह से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पढ़ा था बर्डिंग दीज वर द टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़े थे

इवेंट्स वही होने वाले हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने जिनके बारे में एक हमने आइडिया लिया था वही हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं ठीक है इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहला जो हमारा जो हम स्टार्ट करेंगे हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर का फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं ठीक है इसके बाद हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन uh, क्या क्या एजेंसीज होती हैं वॉट आर द एजेंसीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर पॉलीनेशन एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनेशन दैट अकर इन प्लांट किंगडम नेक्स्ट वी विल बी गोइंग वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट प्री फर्टिलाइजेशन दिस इज वन ऑफ द इवेंट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं उनमें से एक ये सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे उसमें जो गेमी फॉर्मेशन है गेमेटोजेनेसिस मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि गेमेटोजनेसस क्या होता है सेल डिविजन किस तरह से होता है तो वही यहाँ पे हम प्लांट्स के केसेस में करने वाले हैं कि फ्लावर में कौन से स्ट्रक्चर्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ये एक आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में यहाँ पे जो ये जो सेकंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन वाला जो स्टेप है उसको यहाँ पे प्लांट्स केस में डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एनजीओ स्पर्म्स बिकॉज वी आर बेसिकली डीलिंग विद एनजियोस्पर्मिक प्लांट्स इन दिस चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ एनजीओ स्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनको हम करने वाले हैं उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन uh, होता है वही हम करने वाले हैं अब एनजीओ स्पर्म क्या होता है ये आप अपने लास्ट जो क्लास थी आपकी उसमें हमने जो प्लांट किंगडम करा था उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी प्लांट्स की ठीक है जिसमें हमने कवर किया था एलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स देन एनजीओ एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एनजीओ तो एनजीओ बहुत ही डेवलप्ड कैटेगरी होती है प्लांट्स की और इसी को ही हम इस, इसी कैटेगरी के प्लांट्स को हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन में भी हम उसी को स्टडी करने वाले हैं तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है नेक्स्ट आपका जो इवेंट होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताया था मैंने आपको नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट मींस आफ्टर ठीक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है उसमें फ्लावर mm, के अंदर क्या चेंजेस आते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसमें ठीक है वो हम इसमें करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इवेंट्स क्या होते हैं वो सब हम करेंगे देन आफ्टर दैट जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है सब चीज़ हो जाती है तब उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो कितने टाइप्स के होते हैं क्या क्या मेथड्स uh, होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के वो हम कवर करेंगे सबसे लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ एम एपोमिक्स एंड पॉली एम्ब्रियोनी ये सारा आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में आ जाएगा तो ये एक ओवरव्यू था जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट हम अभी आज की इस वीडियो में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर लेने आ, करने वाले हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं क्यों जरूरी है फ्लावर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं होंगे तो उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ठीक है रिप्रोडक्शन होगा फ्रूट बनेगा फ्रूट बनेगा सीड बनेगा सीड होगा तो एम्बरी होगा उसके अंदर एम्बरी होगा तो आगे की जनरेशन आएगी ठीक है क्योंकि वही सीड बोई जाएगी और वही सीड फिर आगे नया प्लांट बनाएगी तो इसलिए फ्लावर एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है पार्ट होता है किसी भी प्लांट का राइट प्लांट जो फ्लावर होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम करते हैं यहाँ पे वट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ये वाला बाहर वाला पार्ट कर लेते हैं अच्छा इसके लिए हम सबसे पहले मैं दूसरा आपको डायग्राम दिखा देती हूँ मूव टू दैट डायग्राम वट आर दस पार्ट ऑफ ऑफ अ फ्लावर सबसे पहले हम देखेंगे पेटल्स पेटल्स एंड सेपल्स क्या क्या होते हैं पेटल्स आपके जितने भी कलर्ड पार्ट होता है कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज पेटल राइट पेटल कलर्ड क्यों होता है कलर्ड इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके इसलिए ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर में ठीक है इसके बाद ये जो सेपल वाला पार्ट है ये क्या होता है ये एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है हर फ्लावर में और ये इसका काम क्या होता है ये जितने भी पार्ट्स हैं ये ये जो ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको होल्ड करके रखता है ताकि वो अटैच रहे सपोर्ट देता है नीचे से राइट तो सेपल्स का ये फंक्शन होता है ऐसा उनका कोई अट्रैक्शन में इंसेक्ट अट्रैक्शन में या बर्ड अट्रैक्शन में कोई मतलब है नहीं ठीक है जो अट्रैक्शन का जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ कलर्ड पार्ट करता है नेक्स्ट आपका आता है अब हम डायरेक्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं अब सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेंगे राइट right? ये जो आपको बीच का मिडल जो पार्ट दिख रहा है ये वाला दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा होता है स्टाइल होता है ओवरी होता है स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑफ दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से ठीक है ओवरी क्या है ओवरी इज द स्वेलन पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टर पार्ट इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ये जो आपको ग्राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके अंदर ओवरी ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं ठीक है ओव्यूल्स होते हैं इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर एग होता है और एग एग से क्या बनता है एग से एम्ब्रियो बनता है और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि ओवरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है फ्रूट के अंदर सीड होता है ठीक है तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए राइट right? इन इस पूरी यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं इस पूरी यूनिट को हम कहते हैं पिस्टल्स ठीक है क्या बोलते हैं पिस्टल इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं पिस्टल यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा भी रखा है कि इस पूरे यूनिट को कहा जाता है एज अ होल कहा जाता है पिस्टल राइट नाउ मी वी मूव ऑन टू द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें दो पार्ट होते हैं दो पार्ट कौन कौन से होते हैं एंथर होता है और फिलामेंट होता है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का काम क्या होता है एंथर का काम होता है पोलस की फॉर्मेशन पोल्स की फॉर्मेशन पोली पोलस क्या है दीज आर द मेल गेमिट्स ठीक है ये क्या है ये मेल गेमिट्स होते हैं प्लांट्स में इनको पोलन कहा जाता है राइट तो एंथर का काम होता है पोलस की फॉर्मेशन कहाँ पे है ये ये, ये ये येलो पार्ट दिख रहा है आपको ये, ये येलो टॉप मोस्ट पार्ट ये आपका क्या है ये एंथर है ठीक है इनके बीच में एंथर के अंदर जो है कुछ गैप्स होते हैं जहाँ पे पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होता है वो पाउडर्स जो वो जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली दे आर पोलन्स ठीक है येलो का आपने देखा हुआ फ्लावर के ऊपर येलो कलर के पाउडर सा निकला रहता है इस पोर्शन पे तो क्या है वो पोलन्स होते हैं हमारे जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं तो लैब में आ, मैं आपको पोलन ग्रेन्स दिखाऊंगी राइट right? तो उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट। अब फिलामेंट का क्या काम होता है ये एंथर को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द फ्लावर से फ्लावर से कनेक्ट करने का काम करता है फिलामेंट, ठीक है जस्ट एक अटैचमेंट है जो उसको सपोर्ट करता है एंथर को ठीक तो ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ठीक है आप यहाँ से भी इस पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं ठीक है अच्छा एक चीज़ बताइए जो पेटल्स होती हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है ये भी मैंने लास्ट चैप्टर की जो वीडियोज़ थी उनमें मैंने बताया था पेटल्स के जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है कॉरोला कलर्ड कलर्ड पार्ट कोरोला ठीक है इससे याद रखें कलर से कॉरोला और पेटल ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज इस कोरोला सेप्पल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स ठीक है इसको ध्यान रखेंगे कॉरलो एंड कैरेक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन का इवेंट हम और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम कवर करेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आ, क्या क्या इवेंट्स होते हैं क्या क्या किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में इसको कवर करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है पी में मैं शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप पे चैप्टर की राइट थैंक यू